तेनू फिक्र ना फाका मेरी रोड़दा, तेनू सच्चा ना प्यार लब्बे होरदा सोनिए। मेरे दिल विच बस तू ही वसदा, मैनू होर कोई ना जचदा, तेनू किवें मैं यकीन करावा सोनिए। मन गल मेरी छड़ सच्चा ना प्यार लब्बे होरदा सोनिए। मेरे दिल विच बस तू ही वसदा, मैनू होर कोई ना जचदा, तेनू किवें मैं यकीन करावा सोनिए। मन गल मेरी छड़ प्लस मॉर्निंग, जबरदस्त किस्म की मॉर्निंग गुजर रही है, इसका मतलब है कि जबरदस्त किस्म का दिन गुजरेगा, ठीक है। और जो हिंट मैं छोड़ के गई थी कि इनको कोई रोग लान आई है, तो वो उनका गाना था जो पहला गाना बहुत इनका जबरदस्त हिट हुआ था, और क्योंकि वीडियो आपने देख लिया तो आपको पता चल गया कि हमारे साथ कौन है। फलक, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बल्कि ए प्लस मॉर्निंग, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक, फिट फॉर, मजे में फिट फॉर, सर्दी एंजॉय कर रहे हैं। आज हमारा थोड़ा सा टॉपिक था, बहुत सर्दी है, कल मेरा शूट भी था। अच्छा। और साकिब के साथ ही था, तो पूरी रात हम लोग शूट करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड थी, और स्पेशली लाहौर में तो बहुत ज्यादा हो गई, पिछले वीक में से बहुत ज्यादा हो गई। खास तौर पे वो होता है, म्यूजिक करने वालों को ज्यादा ठंड लगती है। क्यों? जी जी, ऐसा क्यों होता है? क्यों क्यों? लेकिन हम बैकग्राउंड से थोड़े कच्चे। अच्छा, इस जोक की मुझे समझ नहीं आई, ये दोनों बॉयज का आपस का कोई जोक था भाई। हाँ जी, तो आई थिंक सबसे पहले लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आस्किंग यू कि आपने कैसे आप इस तरफ आए, सिंगर, म्यूजिशियन, हाउ डिड इट हैपन? वही स्टोरी है हर किसी की, जो भी सिंगर मेरे ख्याल से स्कूल लाइफ से ही स्टार्ट हो जाती है। हाँ। हर किसी की। और मैं प्रोफेशनली जो स्टार्ट किया 2008 में मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट सॉन्ग जो रोग डेब्यू सॉन्ग था रोग, लेकिन उससे पहले मैंने 10 साल की स्ट्रगल की हुई थी। अच्छा। और उस स्ट्रगल में मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा मैंने उस टाइप की स्ट्रगल की हुई जो शायद किसी ने ना की हो, शायद की भी हो, लेकिन आज इस मुकाम पे हूँ वो सारी स्ट्रगल भूल चुका हूँ। और लेकिन ये है कि जब उसे याद करता हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो बेसिकली स्टार्ट जो था वो स्कूल लाइफ से हो गया, फिर स्पेशली जब कॉलेज में गए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, वहाँ बैंड एक बिल्टअप हुआ, फिर वहाँ पे दोस्तों के साथ वो अप्रिशिएट करते थे, तो लगा कि शायद यही है मेरा फ्यूचर। तो बस फिर बस अल्लाह का शुक्र है कि इतना आपको फेम मिल गया है। exactly. और माशाल्लाह वीडियोस आपके हर चैनल पे चलती हैं, बाहर आप टूर कॉन्सर्ट्स करके आते हैं, इधर भी करते हैं, तो बस अल्लाह तो फिर जो स्ट्रगल करता है फिर अल्लाह उसको देता भी है। बल्कि मैं यहाँ पे ये चीज एक ऐड इन करना चाहूंगा, फलक उन आर्टिस्ट में से है जिनके माशाल्लाह हर वक्त कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं, एंड ही इज वन ऑफ दोस लकी आर्टिस्ट आजकल के हालात में भी, ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ कॉन्सर्ट्स, सो बड़ी ब्लेसिंग है आपको इसमें। ये वही चीज़ है कि मैं वही जैसे बात कर रही हूँ कि स्ट्रगल जो है वो फिर आपकी आगे आती है आपके सामने,
तो मैं जितने भी इस वक्त मुझे लोग देख रहे हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो वो स्ट्रगल जो भी करेगा और एक लाइन पे रहेगा, आई थिंक उसको कुछ ना कुछ। अच्छा फलक, आपको लगता है कि ये सारी जो मेहनत और स्ट्रगल है और आप बार बार ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, बार बार कुछ ना कुछ फेस करते हैं, मगर आप फिर भी डटे रहते हैं, आपको लगता है आपको बहुत ही स्ट्रांग बना देता है, फिर आपको फेम मिलता है तो आपके सर पर नहीं चढ़ता कि मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ? आई थिंक मैं आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। एक आर्टिस्ट है, मैंने कई दफ़ा इंटरव्यू में बताया, अभी जैसे खलील साहब बैठे हुए थे, इसी तरह के एक आर्टिस्ट हैं, बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं, नाम नहीं मैं लूँगा। उन्होंने मुझे मेरे फेस टू फेस कहा था कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। ओहो। और आज उनका ही भांजा मेरे पास गिटार लर्निंग लेता है, सोचें जरा। उनका ही भांजा मेरा फ़ैन है, उनकी फैमिली मेरी फ़ैन है, मैं उनको सलूट करता हूँ इस बात पे कि उन्होंने मुझे कहा था और मैंने उस चीज़ को इतना अपने ऊपर लिया था कि मैं अब करके दिखाऊंगा इसको। तो जहाँ पे भी अगर मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं तो उनको पता होगा, शुक्रिया आपका कि आप ऐसी हरकत की और हमेशा कीजिए और कीजिए और सितारे उभर के आगे आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, लेकिन हर एक का ये पोटेंशियल नहीं होता कि आप किसी के वो जो इतने अग्रेसिवली किसी की आजकल के लड़कों में थोड़ा ना और किस्म का एटीट्यूड है। मैं देखता हूँ कि बस जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे जुने रास्ते में कि आईफोन भेज दिया, चलो यार वीडियो बनाते हैं और इस टाइप का सीन, चलो आजकल फोन भी तो इतने महंगे आ गए हैं ना, भेज वीडियो बना इस दफा ये कर लो तो इस दफा। लेकिन सीरियसली इस प्रोफेशन को लिया जा सकता है और लेना चाहिए। नहीं, अगर आपने कुछ भी करना है, कोई भी अगर आपने गाना गाना है, आपने म्यूजिशियन बनना है, आपने इवन डायरेक्शन में जाना है, अगर आपने होस्ट बनना है, शोबे से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, अगर डॉक्टर इंजीनियर, वो सीरियस प्रोफेशन, ये भी सीरियस प्रोफेशन है, लेकिन आपने कुछ भी करना है, वो एक तरफ सोच, एक दफा सोच के कूदे उसके अंदर कि बस यही करना है मुझे। और मेरा ख्याल है, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी कि कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे उसमें आपको मतलब फेम जब मिलता है तो सर पे फेम डेफिनेटली चढ़ता है, ये मत करें क्योंकि जो मतलब वो फिर आपको नीचे खींचेगी चीज। सो ऑलवेज बी हम्बल, अल्लाह को भी ह्यूमिलिटी पसंद है। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, ए प्लस मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बोलती हैं और मैं आपका शो रोज देखती हूँ। थैंक यू, और भाई बहुत अच्छे हैं और इनकी पंजाबी बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मुझे ये बताएं, ये हमेशा लड़कियों से पीछे क्यों रहते हैं? कौन, जुनेद जी? अपनी वीडियोज में? नहीं, ये हमेशा लेट आते हैं, देरी से आते हैं, क्यों? नहीं, हमेशा तो नहीं आता, आपने ये चीज नोट की है, आज दूसरी दफा हुआ, लेकिन आज जो था वो आपको पता है लाहौर की ट्रैफिक जो है वो बहुत क्रेजी किस्म की। कोई बात नहीं, थोड़ी टची हो गई, जानते हैं वो बात है, लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि लेडीज फर्स्ट है। हाँ बिल्कुल, वो तो जी हम सारा जो पावर है वो औरतों की ही है, ठीक है ना। अच्छा मैम, हमारे साथ गेस्ट है फलक, बहुत माशाल्लाह अच्छे सिंगर है, बेहतरीन म्यूजिक करते हैं, क्या इनसे कुछ पूछेंगी? हाँ जी, इनका ये जो मैंने वीडियो देखा है माशाल्लाह बहुत प्यारा है, भाई बहुत अच्छे हैं, गाते भी हैं बहुत अच्छा है, और लुक भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, और ये हमारे मुल्क का एहसास है, अल्लाह इनको जिंदगी दे, और इनसे कहें कोई अपनी पसंद का कोई भी अच्छा सा गाना सुनाए। और एक और मेरी फरमाइश है कि आपके पास जो ड्रमर है ना जी जी, इनका नाम नहीं मुझे पता नाम, तो ये बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, नदीम भाई है, नदीम है, नदीम भाई है, ब्रदर्स बैंड के अंदर जो प्ले करते हैं। अच्छा अच्छा जी, तो इनसे ना ये इनको मैंने ना शो पे सुना हुआ है। अच्छा हाँ जी, इनसे कहें प्लीज आप अपना ना कोई भी मतलब अच्छा सा कोई भी गाना सुना दें। डन जी डन, नदीम भाई के लिए म्यूजिक। थैंक यू मैम। हाँ जी, आपके सारे म्यूजिशियन माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। थैंक यू। कीबोर्ड वाले भाई हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, बड़ा मजा आ रहा है इनको सुन के, और ना आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपका शो बहुत अच्छा माशाल्लाह जा रहा है। थैंक यू मैम, अल्लाह आपको ऐसे ही तरक्की दे और ये करते रहे, प्लीज छोड़िएगा। थैंक यू, थैंक यू, इतनी हौसला। जुनेद के गाने बहुत अच्छे मैंने सुने हैं, भाई अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा सर। शुक्रिया। और भाई आप कपड़ों की ये टेंशन ना लें, आपको सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। वाह वाह, म्यूजिक, अब तो मैं ठीक हो गया। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जुनेद का तो आपने दिन ही बना दिया, और माशाल्लाह ब्रदर्स बैंड तो बहुत ही बड़े म्यूजिशियंस और फनकार हैं, और इनकी बहुत इनका शुक्रिया कि ये हमारे साथ बैठे हैं और हमारे लिए इतनी खूबसूरत धुनें और बैकग्राउंड म्यूजिक, और जो सिंगर्स आते हैं उनके सपोर्ट में भी ये करते हैं, और नदीम भाई और इस तरह लगता ही नहीं है कि इन्होंने पहले जैम नहीं किया हुआ है, इन्होंने प्रैक्टिस की नहीं हुई, वो फॉरन ही साथ ही पकड़ लेते हैं। अच्छा एक और कॉल है, अस्सलाम वालेकुम, ए प्लस मॉर्निंग।
वालेकुम सलाम है सर, गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं भाई मतलब बात कर रहा हूँ आपके कसूर से। क्या कहना चाहेंगे सर? बस गुड मॉर्निंग भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। आपको हिम्मत और तकलीफ दे, इससे भी ज्यादा अगर हाई प्रोग्राम। थोड़े बिजी हैं, जिस तरह उनका टाइम उनके पास होगा तो वो डेफिनेटली उनको इनवाइट करेंगे। बिल्कुल। सिर्फ कामरा खान के लिए म्यूजिक 5 सेकंड बस जी। आवाज बहुत कट रही है। हेलो, कामरा खान के लिए म्यूजिक बजा दे जी। अच्छा, ड्रॉप हो गई कॉल सर आपकी। सॉरी, आवाज बहुत कम हम तक आ रही थी इसलिए, मगर बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और फलक, पहले कोई फरमाइश जो मैम ने की थी वो पूरी कर ले। उन्होंने कहा था आप अपनी मर्जी का कोई गाना, अपनी मर्जी का गाना कोई सुना दियो उनके लिए। फिर मेरा एक तीसरा वीडियो था, मंदी हैं चंगी हैं, मुझे बड़ा पसंद है भाई। हां, आई लव इट। बेसिकली सूफी सॉन्ग है और उसमें बाबे बुल्ले शाह का कलाम भी है। वाह वाह, स्टार्ट उससे।